दोस्तों अभी मैं उत्तराखंड चंबावत के अंदर हूँ, ठीक है। 3-4 दिन से मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद फिर यहाँ से मैं रुखसत हो जाऊँगा, दिल्ली को रवाना हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ मैं जिस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, जिस तरीके से बाहर के लोगों के यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से विकास नकली विकास के तौर पर ना इस उत्तराखंड की भूमि को, चाहे यहाँ हो पिथौरागढ़ कहीं भी हो यार, हर जगह ना स्ट्रक्चर सीमेंट के पत्थरों के पहाड़ों का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, ये बहुत ही भयानक और डराना है। क्योंकि पेड़ों की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और पेड़ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए। पेड़ ख़त्म होने से रीज़न क्या होता है पता है? पेड़ जब ख़त्म हो गए ना, उससे क्या होगा, पेड़ जो पानी लेते थे, जो बरसात, मान के चलो बरसात होती है, जब बारिश का पानी गिरता है तो पेड़ जो लगे होते हैं तो वो क्या है, उस पानी को अपनी ओर संचित करते हैं और उस एरिया में अपने अपनी अपनी जड़ों की ताकत से उसको इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब कहानी क्या बन के आएगी आने वाले समय में, जब पेड़ कट जाएंगे तो बरसात में, क्योंकि टीलों के ऊपर पूरे पहाड़ बने हुए, जैसे मान लीजिए टीला ना, टीले के ऊपर पूरे पहाड़ बने हुए, तो इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये दोस्तों, ये टीले के ऊपर क्या है, पूरे मकान बने हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टीले के ऊपर मकान बनने में इससे क्या होगा कि जो बरसात का पानी होगा ना, बरसात का पानी जो भी होगा या जो पानी होगा, धीरे धीरे मिट्टी को अंदर से पूरा क्या है, लसलसा और गीला करते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पहाड़ अंदर से क्या होगा, दलदल बन जाएगा। और जो ये पत्थरों का बोझ है ना, ठीक है, पत्थरों का बोझ जो सामने हो रखा है, पत्थरों का बोझ पेड़ों के जो क्या नाम कहते हैं, मकानों से जो बोझ उस पहाड़ी के ऊपर आया ना, तो नीचे मिट्टी जो दलदल हो जाएगी और धीरे धीरे पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे कोई और खिसकना शुरू हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे खिसक जाएगा और भूस्खलन होगा। और ये आने वाले समय में बता रहा हूँ आपको 100%, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो है भूस्खलन की, और ये मतलब बहुत बड़ी त्रासदी की संभावना बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम इस मैटर को इग्नोर करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें ना उत्तराखंड के वासियों को अपना पूरा सपोर्ट देना होगा और इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना होगा। अगर वो आगे नहीं आएंगे ना, ठीक है, अगर वो आगे नहीं आते हैं तो इसमें जो उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान इसमें क्या है, झेलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो अभी मैं चारों ओर दिखा रहा हूँ आपको, ये चारों ओर क्या है, ये उत्तराखंड मार्केट, ये अपना चंपावती मार्केट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो गया, जरूरत से ज़्यादा हो गया, पत्थरों के पहाड़ इस तरीके से खड़े कर दिए गए ना, जिसकी वजह से यहाँ पर ना, ठीक है, पहाड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और पेड़ों का कटान होने की वजह से ना, ये इस तरीके से यहाँ का जो नेचर जो होती है ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। जो है अभी जो है डूबता पंजाब पिक्चर बनी थी ना, एक समय ऐसा भी आएगा कि डूबता उत्तराखंड भी पिक्चर बन सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि झाड़े के मौसम में, ओके, ये देखो जाड़े के मौसम में क्या होता है, जाड़े के मौसम मतलब यहाँ पे क्या है कि बारह मास, एक समय ऐसा था यहाँ पर क्लाइमेट की बारह मास क्या है, यहाँ पर सर्दी हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सर्दी सब ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर ऐसा हालत है कि अभी ये जून का महीना है दोस्तों, गर्मी का महीना मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या पंखे की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो सामने मकान में एसी लगा है, ठीक है, ये दिख रहा है एसी, ठीक है। इस तरीके से एसी की जो तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है, अब यहाँ एसी लगने शुरू हो चुके हैं दोस्तों अच्छी तरह, ठीक है। ये ठीक है। और मैं अगर इलाका चारों ओर से आप डेवलपमेंट दिखाता हूँ, तो डेवलपमेंट के हिसाब से ना इस तरह से कष्ट से इतनी युद्ध स्तर पर बढ़ता जा रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो शुरू से दिखाता हूँ लास्ट से देखते हुए, सिर्फ चलो पूरी पहाड़ी, ठीक है, पूरी पहाड़ी कह रहा हूँ, पूरी पहाड़ी जो है, ये दोस्तों चंपावत की मार्केट है, ठीक है। आगे से भी चंपावत की मार्केट डेवलपमेंट दिखा देता हूँ, अब आपको सामने पूरा सामने पहाड़ दिख रहे हो, तो सामने पहाड़ी के अंदर भी ना आपको पूरा किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो देखो पीछे पूरे जो है जब पेड़ कटते जा रहे हो, और देखो पूरा मैं दिखाता हूँ, ये देखो लागा पूरा खाली, क्योंकि मकान बनने की वजह से वहाँ पेड़ों का कटान कर दिया गया, क्योंकि जालों के लिए चारा चाहिए, ठीक है। अब पूरा पहाड़ है ये देखो, अब कहाँ को पूरा कहीं नज़र डालाओ, आप कहीं भी नज़र डालाओगे आप ना पूरा पहाड़ी नज़र आएगा।
हर जगह पत्थरों के क्या हो गए, पहाड़ खड़े हो गए यार दोस्तों, ठीक है। ये अब पूरा पहाड़ खड़े होने की वजह से क्या हो गया कि मार्केट क्या है, क्या है ना, अब पूरा पहाड़ खड़े होने की वजह से क्या हो गया कि धीरे धीरे ना यहाँ का मैं क्या होगी, जिस तरीके से पिक्चर बनी है डूबता उत्तराखंड, ना डूबता पंजाब, उसी तरह डूबता उत्तराखंड भी बनेगी। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों में इतना वेट हो चुका है ना, ये सोचे कि ऊपर से बहुत ही सख्त है मजबूत है करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे करके ना ये सख्त मजबूती है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे जब पेड़ कट जाएंगे तो पानी को संचय करने की जो ताकत है ना मिट्टी के अंदर थी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जड़ जो है पानी को रोकने की अपना दम रखती थी, वो चीज़ें जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो पानी को नहीं रोक पाएगी, जिससे मिट्टी पूरी प्रॉपर तरीके से लसली जो है ख़राब हो जाएगी, और जो क्या है जिससे क्या नाम कहते हैं भूस्खलन होने का, और कहते हैं पहाड़ों का नीचे को खिसकने की कहते हैं श्रृंखला को नीचे खिसकने का सिलसिला बहुत ही सही तरीके से शुरू हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों मेरा सिर्फ ये मैसेज आप लोगों के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ताकि जो है आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो कि उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल भी पता नहीं है। मेरा काम है कि लोगों को अवेयरनेस बनाना, लोगों को जागरूक करना कि जब कम से कम एक लॉन्ग लाइफ पेड़ बहुत जरूर लगाए अपने घर के आसपास, और उसको बड़ा करें, जितने मेंबर हैं उतने लॉन्ग लाइफ पौधे लगाएं, बड़ का लगा दें, पीपल का लगाएं, बरगद का लगाएं, ठीक है, चीड़ का लगाएं, देवदार का लगाएं, तो ठीक है, समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।